हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो फ्लिपकार्ट सेलर हैं उनको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, तो क्या क्या केयर है उनको करनी होती है फिर फ्लिपकार्ट अकाउंट को चलाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो है कि हमारा जो फ्लिपकार्ट में रिटर्न आती हैं, जैसे हम रिटर्न वाले पर क्लिक करेंगे, तो रिटर्न वाले पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर हमारी रिटर्न दिखा देगा। जैसे यहाँ इन ट्रांजिट पर क्लिक करेंगे, हम इन ट्रांजिट पर क्लिक करें, जैसे अभी हमारी जो दो रिटर्न है वो अभी इन ट्रांजिट है, मतलब अभी ट्रांसपोर्टेशन में है, हमारे पास पहुंची नहीं है। तो इसमें हमने ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या है, जब भी बंदा इनका रिटर्न करने आता है, जो फ्लिपकार्ट का एग्जीक्यूटिव रिटर्न करने आता है, वो हमारी जो फर्म की स्टैंप है वो स्टैंप लगवा के लेके जाता है, उसके बाद वो रिटर्न दे के जाता है, क्योंकि इसमें अमेजोन की तरह OTP बेस्ड सिस्टम नहीं है। तो जब भी हम उससे रिटर्न लेते हैं या रिटर्न देने आता है, तो आपने ये इंश्योर करना है कि वो स्टैंप लगवा के ज़रूर लेके जाए, जिससे हमारी जो रिटर्न है वो अप्रूव हो सके और हमारे पास हमें मिल जाए रिटर्न। कई बार क्या है कि डिलीवरी बॉय अपने पास ही रख लेता है और रिटर्न को डिलीवर्ड दिखा देता है और साइन में फेक साइन डाल देता है। दूसरी बात यह कि दोस्तों, जब भी आप कोई ऑर्डर भेजें तो उसकी एक POD जनरेट होकर आती है, मतलब प्रूफ ऑफ डिलीवरी या प्रूफ ऑफ पिकअप, तो उसको हमने उसकी हमारे पास मेल आती है फ्लिपकार्ट की तरफ से। जैसे अभी ये जो हमारी जो दो रिटर्न है उनमें से एक रिटर्न है दोस्तों, वो क्या है, नवंबर 8, 2022, ये अभी तक इन ट्रांजिट दिखा रहे, ये रिटर्न हमें मिली नहीं है। जब हमने इसकी कंप्लेंट करी थी फ्लिपकार्ट में, तो उस टाइम फ्लिपकार्ट वाले ने बोला कि पहले आप इसका पिकअप का प्रूफ दिखाइए कि ये रिटर्न आपसे पिकअप हो चुकी है। अब दोस्तों, वो मेल हमने डिलीट कर दी थी, तो मेल डिलीट करने के बाद हमारे पास दिखा नहीं रहा था कि ये हमारे पास पिकअप हुआ। तो ये नवंबर 2022 से अभी तक हमारी लगभग अगस्त 2023 चल रहा है, यानी कि 8, 9, 10 महीने हो गए ये रिटर्न अभी तक हमारी इन ट्रांजिट दिखा रहा है। फ्लिपकार्ट की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं है और कोई इसका सोल्यूशन नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, अमेजोन में क्या होता है कि जो भी हमारे ऑर्डर है उसमें दिखा देता है कि इतने ऑर्डर हमारे आउटबाउंड डिलीवरी हैं, इतने ऑर्डर हमारे पिक हो चुके हैं, इतने ऑर्डर हमारे कस्टमर को डिलीवर हो चुके हैं। जैसे हम एक्टिव ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, तो एक्टिव ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जो भी आपकी मोबाइल की ऐप है उसमें तो दिखाएगा नहीं कौन से ऑर्डर कहाँ हैं। अब इसमें एक ऑर्डर है जो पेंडिंग फॉर हैंडओवर दिखा रहा है, चार ऑर्डर हैं जो हमारे इन ट्रांजिट दिखा रहा है। जैसे इन ट्रांजिट मतलब अभी ट्रांसपोर्टेशन में हैं, अभी वो पहुंचनी है कस्टमर के पास। तो इसमें अगर हमने अब ये देखना है कि कौन सा ऑर्डर हमारा कहाँ तक पहुंचा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑर्डर ID पे क्लिक करना है, और ऑर्डर ID पे क्लिक करने के बाद अभी ये डिलीवर्ड नहीं हुआ है, अभी तक ये पेंडिंग है। जैसे ये टिक हो जाएगा तो ये यहाँ पे डिलीवर्ड दिखा देगा, दूसरा ऑर्डर भी ऐसे ही आएगा, तीसरा भी ऐसे ही आएगा, चौथा भी ऐसे। तो इनकी सबकी डिटेल दोस्तों यहाँ दिखा रहा है, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है, इनको चेक करते रहना है कि ऑर्डर हमारे कब डिलीवर हुए हैं और अभी तक कहाँ पहुँचे हैं। तीसरा है दोस्तों, रिपोर्ट वाले सेक्शन में हम ग्रोथ वाले सेक्शन में जाएंगे। ग्रोथ वाले सेक्शन में जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट, इस पर हमने क्लिक करना है। सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारे, अगर कोई कस्टमर सपोज करो कोई प्रोडक्ट सर्च करता है, तो उसका जो हमारा ट्रैफिक आया है, जो हमारे लिस्टिंग पे है, वो यहाँ पे देखने का जो, तो इसमें दिखा रहा है कि इतने हमारे इंप्रेशन थे, इतने व्यूज़ हमारे हुए हैं, ठीक है। जैसे क्लिक्स कितने आए हैं, तो 3% क्लिक आए हैं हमारे, क्लिक थ्रू रेट जो क्लिक करने का रेट है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 31 जुलाई से 31 जुलाई, तो 3 यूनिट हमारी सोल्ड हुई हैं, ये हमारा ट्रेंड दिखा दिया दिस वीक जुलाई, ये जुलाई तक का डाटा है दोस्तों, 31 जुलाई का डाटा है, मतलब परसों का, यानी कि एक दो दिन ये लेट तक का दिखा दे, 2 हमारी यूनिट सेल हुई है। ये इन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया कि हमारे पास क्या क्या रिकमेंडेशन है, व्यू प्राइस रिकमेंडेशन है, प्राइस रिकमेंडेशन दे दिए। उसके बाद इन्होंने हमारे प्रोडक्ट वाइज दे दिया है कि किस प्रोडक्ट पे हमारे कितने क्लिक आए हैं। जैसे ये जो कॉपर जग वाले पे हमारे 4800 क्लिक आए हैं, व्यूज आए हैं, और 175 क्लिक आए हैं। इसके अलावा ये जो हमारा ईयरिंग है इस पर भी है, ठीक ठाक है, तो इस पर हम, इन्होंने रिकमेंडेशन भी दे रखी कि हम इसका प्राइस कम करके अपने क्लिक हैं जो बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।